हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मल कुमार और दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्नैक लवर। दोस्तों, स्नैक रेस्क्यू के लिए अभी सुबह सुबह हम अशोक पासवान जी के घर आए हैं। आसिफपुर जमालपुर में इनका घर है और इनके यहाँ एक समस्या है साथियों, इनके यहाँ एक बड़ा कोबरा देखा गया है और वो कुछ शिकार किया है, उसने कुछ खाया है जिस कारण से वो अभी बाहर में ही है। तो पहले हम सांप को दिखाते हैं, उसके बाद उसका रेस्क्यू करते हैं। यहाँ यह कोबरा सांप है और इसने कुछ शिकार किया है, आप देख पा रहे हैं। ये एक बड़ा कोबरा है, तो हमें इसके रेस्क्यू के लिए बुलाया गया है। काफी सावधानी से हमें रेस्क्यू करना होगा क्योंकि काफी ईंटों के अंदर यह छुपा हुआ है। आप देख सकते हैं काफी सारे ईंट रखी हुई है और हमें इसका रेस्क्यू करना है बहुत सावधानी से। इसे चोट नहीं लगनी चाहिए। देख सकते हैं ये जो है स्पेक्टिकल कोबरा है और इसने अभी कुछ शिकार किया है, कुछ खा लिया है, इस कारण यह भागने में असमर्थ था और लोगों की नजरों में आ गया, लेकिन यह भाग नहीं पा रहा था। इस वजह से हम आके इसके रेस्क्यू अच्छी तरह से कर सके। तो
पहले हम थोड़ा सा वेट करते हैं कि अपना शिकार शायद उगलेगा, अगर नहीं उगलता है तो हम इसे रेस्क्यू करते हैं। डब्बा मेरा लाइएगा उधर से, बैग मैंने बाहर निकाले, हम बाहर में नहीं, नहीं ढक्कन खोल कर रखे ना, रख दीजिए कोई दिक्कत नहीं, जाइए। तो सत्य सांप तो कुछ उगलने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो हम इसका रेस्क्यू करते हैं। तो देखा साथियों, हमने काफी सावधानी से इस कोबरा सांप का रेस्क्यू किया है और इसे ले जाकर हम तत्काल फॉरेस्ट में रिलीज करेंगे, क्योंकि थोड़ी देर अगर हम रखते हैं इसे तो ये अपना शिकार उगल देगा। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको हमारा रेस्क्यू वीडियो पसंद आएगा, मिलते हैं फिर से अगली बार किसी और स्नेक के साथ। आपका स्नेक लवर निर्मल कुमार, धन्यवाद।